नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मजहबी विवाद हमेशा से सबसे बड़ा झगड़े का कारण रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश की बात छोड़ भी दें तो भारत में अक्सर मस्जिद मंदिर विवाद सामने आते रहते हैं। राम मंदिर का मामला तो कई डिकेड तक चला और बाद में अदालत के जरिए इसका समाधान भी हुआ। और अब काशी मथुरा से लेकर अक्सर शगुफे हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड चीजें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक विवाद मध्य प्रदेश के भोजशाला का भी है, जिस पर हिंदू मुसलमान के बीच माहौल खराब होता है। इस तरह के विवादों का समाधान क्या है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगी। मेरे साथ जुड़े हुए मशहूर लेखक तारिक फतेह साहब, स्वागत है आपका तारिक जी। बहुत बहुत नमस्कार, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? सर्दी में घिरे हुए हैं, यहाँ ना मंदिर है ना मस्जिद है। बनवा लीजिए एक, आपको आराम मिलेगा। फिर दंगा भी कराना पड़ेगा ना कि आपस में झगड़ लें। अच्छा, दंगे की हम बात करते हैं तो हमारे, अगर मैं देश की बात करती हूँ भारत की, तो यहाँ पर तमाम मंदिर मस्जिद के विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। इनका अगर हम परमानेंट सोल्यूशन कुछ निकालें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में लोगों के बीच में वो खाई बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, तो इनका स्थायी या परमानेंट सोल्यूशन हम बात करें तो क्या है आपके हिसाब से? मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये देश पिछले 5000 साल से जो यहाँ रहते थे लोग, जो जी उस दरिया का, इंडस का, हिंदुस्तान का, मोहनजोदारो का, ये उनका देश है। इसको हिमालय ने बचाया हुआ है, कभी आइस एज नहीं आई है। बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, जीरो यहाँ से निकला है। हर कुरान के हर वर्क के पे जो नंबर सिस्टम है वो इंडियन नंबर है। और अगर इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान तो खैर छोड़ दें उसको, तो वो तो गया गुजरा काम है, वो जिस दिन टूटेगा तो खुद ही अकल आ जाएगी लोगों को। लेकिन ये जो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मुसलमानों का कि हमें तो ऊपर वाले ने भेजा यहाँ, और रोज़ क़यामत तक जब तक तमाम हिंदू मुसलमान नहीं बनेंगे, ये जेन्युइन एक बिलीफ है कस्बा हिंद का। और जब आप मस्जिदों में दुआएं आखिर जुमे की यही मनाएं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर, वो सब आमीन आमीन करके उड़ जाते हैं। जिसकी जूती जूती चोरी नहीं होती वो घर चला जाता है। यू नो इट्स अ सैड स्टोरी। आप कहीं पे भी जाके जो आपका मेज़बान है, और वो हमेशा रहेगा जब तक आप उनमें जान नहीं मिलेंगे। देखिए, ये लोग कहते हैं ना 1000 साल से साहब आए में कब तक रहेंगे मेज़बान, ये वो। अरे भाई, नाम ही बच्चे का रख लेते हिंदुस्तानी, कब तक चलता रहेगा अब्दुल और शम्स और ये वो। को सूरज वूरज भी तो नाम होना चाहिए ना। आप देखिए, कहीं पे नहीं होगा। आप भी जैदी लेके चल रही, मैं भी फतेह लेके चल रहा हूँ, तो ये इट्स अ डिक्लेरेशन के हम आप में से नहीं है। हम आपके घर आए पना लेने, लेकिन आपका फर्नीचर हमें पसंद नहीं आया, तो जब तक हम चेंज नहीं करेंगे और पूरा करकट आपका फेंक नहीं देंगे और नया से लाएंगे, वही एटीट्यूड है ना हमारा कि हम सिविलाइज करने आए हैं हिंदुस्तान को। ये जिम्मेदारी हिंदुओं की नहीं है कि वो आपके लिए बेंड ओवर करें। पहले वो पना दें आपको, फिर आप उनकी बच्चियां उठा के ले जाएं, जैसे राजा दाहिर के साथ हुआ, और फिर बैठ जाए। ये तो मोहम्मद बिन कासिम का और उसका पुरानी दिल्ली में किताबें उर्दू में छप रही हैं, मुसलमान पढ़ रहे हैं, बाकी उर्दू कोई पढ़ नहीं रहा है, तो उनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा, क्या छपता क्या नहीं छपता, क्या दुआ मांगी जाती क्या नहीं मांगी जाती, और घमंड ऐसा। तो कंटिन्यू, ये कदम पहले रखना होगा मुसलमानों को, ये एक्नॉलेज करके कि हमारे जो क्या कहते हैं एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जुल्म किया इस सरजमीन पे, हिंदुस्तान को आके इन्वेड किया, लूटा मारा, मुल्तान से लेके आप देखिए बनारस तक, हर जगह जिधर देखो दादागिरी चल रही थी। एंड लकीली इंडियन सर्वाइव्ड। आप देखिए कि ईरान में कंप्लीट वाइप आउट ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इक्का दुक्का को आदमी होता है जो हैं भी ज्यादा, मेरे ख्याल पारसी ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं वो इंडिया में होंगे बनिस्बत ईरान में।
तो ये एटीट्यूड हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप मिस्र गए, आपने आज के दिन कोई मिस्री इजिप्शियन अपने आप को इजिप्शियन सिविलाइजेशन से जोड़ता ही नहीं है। तो ये तो होने की नहीं बात है कि आप चाहें कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हिंदुइज्म है या हिंदुत्व है, वो खत्म हो जाए और आपका राज चले। अगर आपकी बात मानते हुए हम ये कहते हैं कि मुसलमान इसकी शुरुआत करें कि वो मस्जिदों जिन पर वो दावा छोड़ दें, तो ऐसे में जो ऐतिहासिक कुछ मुसलमानों की जो मस्जिद है उनके पास वो नहीं बचेंगे, तो इससे आबाद और बिगड़ती हुई नहीं नजर आएगी? अरे भाई, नमाज तो जाके पढ़ लें, ढंग की सड़क पे क्यों इतनी दादागिरी से पढ़ते हैं? पेरिस में हो या दिल्ली में हो, मैंने तो दोनों जगह देखा, जुम्मे की नमाज फैल गए मस्जिद के बाहर, सड़कें बंद की हुई, न्यूयॉर्क में कर रहे हैं। ये एटीट्यूड है। मैंने कभी किसी तुर्क को, अरब को नहीं देखा ये करते हुए कि कूद के टैक्सी के ऊपर नमाज बैठे पढ़ रहा बीच न्यूयॉर्क में या दिल्ली के अंदर। ये शौक कुछ हमारा है, कह रहे भाई मुगल थे हम और यूं हुकूमत करते थे, आपने किसी को गदर की सेरेमनी मनाते हुए कभी ऑब्जर्व करते हुए देखा है? नहीं। Their attitude is that they are the victims and they will remain victims until they get the right to liquidate the Hindus. ये मैं straightforward आपसे बात कर रहा हूँ। और the refusal in 1,000 years for any Muslim to embrace any Indian name, what does it say? आपको तुर्की में तो Turkish नाम ही मिलते हैं ना, इंडोनेशिया में भी वही हिसाब है, ईरान में खोमेनी कोई अरबी का वर्ड तो नहीं है। तो आप जहां बैठे हैं आप कह रहे हैं हम बताएंगे आपको खाना कैसे खाना है, क्या करना है, आगे पीछे। छोटे बच्चों को लेके आप बकरा ईद को कुर्बानी जिबा होते हुए बकरों को गाय को देखते हैं, तो यू ऑटोमेटिकली कंडीशन द मेंटेलिटी ऑफ द चाइल्ड। आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, बकरा ईद के दिन बाप बेटे को जरूर लाता है, बेटा एक छुरी तू भी मार ले, और वो जिसने उसको एक महीने खेला होता है एज अ पेट, आप सोचिए क्या उस बच्चे पे गुजरती है। तो देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर, इस्लामिक कल्चर, विच डू नॉट हैव अ प्लेस इन इंडिया, एंड बाय इम्पोजिंग दैट आप क्या करेंगे? आप ये जो काशी की है या मथुरा में है, क्या हमको नजर नहीं आता कि किसी ने गड़बड़ की थी हमारे आबो अजदाद से? तो बजाय इसके कि हम खुद एक्नॉलेज करें कि ये नजर आ रही है सामने, मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी है आपने, खुद एक्नॉलेज करें, खुद कहें कि ये मंदिर होना चाहिए, गलत बनी थी मस्जिद। उसका रेसिप्रोकल एटीट्यूड ये होगा कि देयर विल बी गुडविल। अच्छा, हम मंदिर और मस्जिद के झगड़ों की बात करते हैं, विवाद की, तो इसका अगर हम धर्म के हिसाब से बात करें या कुरान के हिसाब से बात करें, तो इसके उसके हिसाब से क्या इसका समाधान है, क्या सलूशन है? अगर मंदिर मस्जिद विवाद होता है, झगड़ा कोई होता है, तो क्या ऐसे में हम समाधान निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये जो है कि चर्चों और मंदिरों पे कब्जा करके करना, ये भी आपके मुआविया का डमास्कस में शुरू हुआ कि वो जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था, जब मुआविया वहाँ गवर्नर बने और उसके बाद वहाँ खिलाफत उमय्यद बनी, उन्होंने उसको चेंज करके मस्जिद कर दिया, आजकल वो उमय्यद मस्जिद कहलाती है। वहीं पे यजीद ने बैठ के वो फेमस बयान है करबला के बाद का, वहीं बैठ के ठाट मार के एक चर्च के अंदर बैठे मिले मस्जिद है। अभी टर्की ने नहीं किया जी, हाँ, तो 1,000 साल पुरानी मस्जिद को, चर्च को इस्तांबुल में हाजिया सोफिया को मस्जिद बना दिया। ये मैं अभी पिछले 2-3 साल की बात कर रहा हूँ। तो एटीट्यूड क्या है हमारा? एटीट्यूड इबादत नहीं है, एटीट्यूड है कॉन्करिंग। इबादत करने के लिए तो पड़े में लोग सड़कों पे
थे, यू नो, बुल्ले शाह ने को महल तो नहीं बनाया। बिल्कुल। अच्छा, हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश में मंदिरों की, तो वहां पे क्या हालात है, किस तरह क्या मंदिरों के साथ क्या कैसा रवैया होता है, किस तरह से रहा जाता है, अब मैं इस बारे में आपसे तो कुछ जानना चाहती हूँ। डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। देखिए, बलूचिस्तान में हम नानी का मंदिर उसे कहते हैं, वो हिंगलाज माता जो है जी, एंशिएंट साइट फॉर हिंदू पिलग्रिमेज, पार्टीशन से पहले तो हर साल होती थी, वो बलोचों के हाथ में है, पीछे मड वोल्केनो है उसके, दे हैव केप्ट इट, और बलूचिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ कभी बदतमीजी नहीं हुई, पार्टीशन में भी नहीं हुई, सिंध में भी हुई उस वक्त जब यूपी बिहार से लोग आए, उन्होंने कहा हम तो यहाँ सिंधी हटा के उर्दू लाएंगे, तो सिंधी जबान बैन कर दी, और पंजाब में तो बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया, लाहौर और ऐसे हिंदू शहरों के अंदर कोई एक हिंदू भी नहीं रहता आजकल, तो उन्होंने एग्जिस्टेंस ही साफ कर दी ना। और उसमें फिर अब बांग्लादेश के अंदर भी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और उनका एक प्रो इंडियन एटीट्यूड है, तो पाकिस्तान ISI और ये तबलीगी जमात और जमात इस्लामी ये छेड़छाड़ करके हर साल के बाद आप दंगा करवा देते हैं, आप देखें वहाँ, यही आपने अफगानिस्तान में देखा। इंडिया की दो मुसलमान कंट्रीज से दोस्ती अच्छी थी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, दोनों जगह आप देखिए पाकिस्तान ISI का हाथ है, जमात इस्लामी से आप कहिए, अब तो सऊदी अरेबिया तक ने बंद कर दिया तबलीगी जमात को, यहाँ से यहाँ नहीं आना, गेट आउट ऑफ हियर। दुनिया भर में टेंशन फैला, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अगर ये होता ना कि जहां हिंदू जाते वहां दंगा फसाद शुरू हो जाता है, तो मैं कंपेयर करता, अब करेबियन में, ट्रिनिडैड में, ब्रिटिश गायना, सूरीनाम के अंदर हिंदू रहते हैं, आपने कभी सुना है कि उन्होंने किसी पे कब्जा कर लिया हो, कुछ कर लिया, मारपीट कर रहे हो? लेकिन आप हमारे जो वो हैं हिंदुस्तान के मुसलमान, वो जहां जाए वो एक टांग पे बंगला डाल के नाचने शुरू कर देते, कब्जा कर लिया भैया, गोरे को तो ऐसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, उन्हीं के रेफ्यूजी का लाइन में खड़े होते, हाथ जोड़ के साहब वीजा दे दीजिए अमरीका के, यहाँ पहुंचते ही कहते हैं कि देखा 9/11 कैसे हुआ, तो अभी सिनेगॉग पे हमला कर दिया था वो पाकिस्तानी जो थे, तो इनके सामने इंसानियत जो है वो इन्होंने इस्लाम से नहीं कुछ सीखी नहीं है। यहाँ पे एक और अहम बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में अक्सर चर्चा होती रहती, वो है गज़वा हिंद, और इसका कई हदीसों में जिक्र भी मिलता है। मैं तारिक साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये गज़वा हिंद क्या है, और इसके बारे में वो कौन सी हदीस है, कहाँ पे बताया गया है कि वो गज़वा हिंद हो? बखुद गज़वा का मतलब है वो मुसलमानों की जंग जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद खुद शामिल हों, वो गज़वा कहलाती है। और गज़वा हिंद की जो थ्योरी है वो ये कि जब इस्लाम एक बार फिर दुनिया पे छाएगा, तो यरूशलम से या बैतुल मुकद्दस से दो फौजें निकलेंगी, एक का यूरोप की तरफ रुख होगा और एक का हिंदुस्तान की तरफ। तो वो यूरोप वाले जो जाके वहां मारपीट करके कत्लेआम कर करा के सारे ईसाइयों जब खत्म कर देंगे, तब ये जो हमारी हिंदुस्तान की तरफ बी टीम जाएगी, ये जब ये इनका काम होगा सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ना और सारे हिंदुओं को मुसलमान करना, जब ये मुकम्मल हो जाएगा काम और हिंदुस्तान में कोई हिंदू नहीं रहेगा, तब रोजे कयामत की बारी आएगी। इनकी एफर्ट जो है हमारे थियोलॉजियंस की, जो जिसे मैं केस लॉ कहता हूँ, ये कि कुरान वुरान में नहीं है, ये वो जूरिस्ट ने जो फैसले किए होते हैं ना, उसको लेके फिर आगे इस्लामी कवानीन बनते हैं। तो इनका ये है कि जब तक कयामत नहीं होगी, हमारी जो जुस्तजू है, वी वॉन्ट द वर्ल्ड टू कम टू एन एंड फॉर परमानेंट लाइफ टू स्टार्ट, ये हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हमारी ख्वाहिश है कि हम मर जाएं,
ताकि रोज क़यामत आए फिर यहाँ से वो ट्रांजिट लाउंज में बैठ के फ्लाइटें जाएंगी यहाँ से सारी जन्नत को, उसमें हम बैठ के सब जाएंगे। यहाँ तुम्हारे नसीब में कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, शक्लें ऐसी ख़राब है, पजामा कुर्ता ऐसा पहना हुआ होता है, भाग जाती बच्चियाँ देख के। वो वहाँ जाके उनको सब उनका सब्र का फल मीठा कहते ना, तो वहाँ मिलेगा, बहत्तर बहत्तर हूरे मिलेंगी ना। तो ये विकेट कीपर के साथ स्लिप्स में नहीं ऐसे बैठ खड़े होते, ये खड़े में तो बॉल निकली हम पकड़ लें। तो इट इज सो लेचरस एंड डिस्गस्टिंग एटीट्यूड कि ये पूरे आपके जो हिंदुस्तान के मुसलमानों का कॉमन है गजवा हिंद। गजवा हिंद को कुछ मौलानाओं का कहना है कि गजवा हिंद हो चुका है, पूरा हो चुका है, कुछ लोग कहते हैं कि होना बाकी है। इसमें कितनी सच्चाई और क्या सच है दोनों? इतना झूठा होगा उतनी प्यारी बात करेगा मौलवी, उसका काम भी, उसके भी तो नौकरी शौकरी लगी हुई है ना, उसके भी तो, वो कैसे सच बोल दे? वो तो अल्लाह मियां ने कहा सच बोलने को, लेकिन ये तो इंडिया है, यहाँ तो हमें इजाजत है तकिया करने का, हम एक तरह से कहें कुछ और माने उसके कुछ हो। हमने जिना साहब से पाकिस्तान बनवा लिया, एक आदमी जिसको इस्लाम का पता नहीं था उसे कह दिया, उसने कहा मुसलमानों के लिए ये बनेगा और इस्लामिक स्टेट बनेगा। तो ये आपके यूपी वूपी ने वालों ने ही बनवाया ना, गफार खान ने तो नहीं बनाया पाकिस्तान। तो झूठ तो माहिर हो गए ना। और फिर उर्दू जबान इतना आसान है इस जबान में झूठ बोलना, जैसे झूठ बोले एक शेर सुना दीजिए लोग वाहवा करने लग जाते, पता नहीं चलता वो उस बात पे वाहवा कर रहे हैं या शर्म से कह रहे हैं कि समझ में आया नहीं या नहीं आया, कह दो वाहवा आधा भर से मुकर्रर इरशाद, वो झूठ बोले जा रहा आप लगे हुए कि लोग कहेंगे क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात क्या है। आप 1000 साल बैठ के एज अ माइनॉरिटी, एज लाइक अ वाइट माइनॉरिटी इन साउथ अफ्रीका, you came from outside India, you conquered, you destroyed so many major cities, ye jo Kandahar hai ye Gandhari ka naam hai, Bamiyan statue tod diya aapne, hamare do hamari aankhon ke samne ye to hua na, to 10 15 saal 20 saal ho gaye isko, 9/11 ke foran baad Bamiyan statues explode karke tod diye, to bhai that means Lord Buddha के मानने वाले अफगानिस्तान में रहते थे तभी तो वो स्टैचू बने ना, उसको बम से मार के तोड़ दिया आप। और आप कहते फिर हमको देख के इस्लामोफोबिया हो जाता है लोगों, तो और फिर क्या हो उनको, उनको ये हो कि अरे भाई इन्होंने आज बम से कितना मारा है, ये हमारे काश पड़ोसी होते, ऐसे तो नहीं होगा ना, दंगे करा रहे। आप कभी टेप सुनिए जो मुंबई में अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे वो टेररिस्ट को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आप सुने तो आपको पता चलेगा कि ये एट वेरी बेस इनकी बुनियाद नफरत पे हो गई है। छी 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 हिंदू आ गया, हम तो एक होता 10 हिंदू को खा जाए जिंदा, ये एटीट्यूड है। ओवैसी साहब नहीं कहते, उनका भाई तो 5 मिनट मांग रहा था, 15 मिनट कुछ सफाई खत्म कर देगा उन सबको। यू आर लिविंग इन समबडी एल्सस लैंड, दिस इज नॉट योर लैंड, यू आर फॉरेनर हियर टिल यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज कि मैं किसी के घर आया हूं, तो वो अगर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जूते बाहर उतार लीजिएगा या बर्फ लगी हुई है, नहीं सर हम आए आपके घर पे, हम डिसाइड करेंगे आपके यहाँ खाना क्या पकेगा, आपका फर्नीचर भी हम डिसाइड करेंगे, यही किया ना। अच्छा गजवा हिंद की जो हदीस है इसको लेकर टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान में बम विस्फोटों की झड़ी लगाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने भी गजवा हिंद जैसे वो इस सारी हदीस का हवाला देते हुए, देखिए आप ज्यादा दे रहे हैं, ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। कुरान का पहला लफ्ज है रीड इकरा, हमको इतना परेशानी होती कि अल्लाह ताला ने क्यों कहा हमें पढ़ने को, हमने उठा के उस सूरत को 96 सूरत कर दिया। कभी पूछिए किसी मौलाना साहब से वो कहां कैसे चली गई पीछे इतना,
the first word through Gabriel, Archangel to Prophet Muhammad is read. Ek word hai. It doesn't exist as the first word in the Quran. Phir woh kehta hai, read in the name of the Lord who created you from a clot of blood. ये भी नहीं जाएगा, इसको भी पीछे डालो. 96 सूरत में डाल दिया उसको, तो पढ़ने लिखने की तो छोड़ दीजिए आप. जब ऊपर वाला कह रहा है पढ़ो, तो 90% अनपढ़ कैसे हो सकते हैं उस मजहब के पर? पहला ही कमांड आपने रिफ्यूज कर दिया. मैंने साहब पढ़ना ही नहीं आता, हम तो मेवट से आए हैं, वहां स्कूल नहीं खोलने देता कोई. तरस आने वाली बात है कि जिस मजहब का पहला वर्ड हो रीड, उसके फॉलोअर कहते हैं किताब नहीं पढ़ेंगे हम साहब. कोई फिल्म दिखा दो, उमराव जान अदा या ऐसी वैसी बस. अच्छा, मैंने जैसा कि हम सब जानते हैं और अक्सर ऐसा सामने आता रहता है कि हिंदुस्तान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अच्छे ख्याल थे, वो हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत करते थे. ऐसे में गजवा हिंद की हदीस कैसे आ सकती है? हदीस तो आप जो भी लिखें, 200 साल बाद कोई आदमी लिख रहा है, उसने कहा भैया एक जरा निकालना, ये इस टाइप की भी निकाल दो. उसने कहा गाली कोई नहीं जनाब. अभी क्राउन प्रिंस MBS का नहीं सुना, उसने कहा You started writing this 290 years after Prophet died, Quran was revealed. Now you expect me to make this into law? How? जो जिसको खताती करनी आती थी, कातिब जो होते थे, वो आलिमे दीन हो जाता था. जो लिखेगा वही होगा ना मौलाना. आजकल तो चीख के बोल रहे थे, मिंबर इतने बड़े बड़े वहां खड़े हुए कह रहे होते हैं, कुफर के फतवे लगा रहे होते हैं. ये आप पे भी लग जाएगा कि इस काफिर को क्यों टीवी पे बुलाया आपने. सो ये समझें कि अ पीपल हु हैव बीन आस्क्ड टू रीड एज द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम देयर ओन क्रिएटर टू देयर ओन प्रॉफिट हु दे बिलीव इज द वर्ड ऑफ गॉड, आपने हटा दिया. और ये नहीं आप पूछ सकते किसने हटाया वो वर्ड. किसी की तो मेंटल वो एटीट्यूड होगा ना कि भाई ये तो मुश्किल काम है यार, पढ़ना कहां से, तो हटाओ उसे. इट इज 96 फ्रॉम वन रेलिगेटेड इट टू सूरा 96 जी, जिसके बाद MBS ने ये सब कहा, उसके बाद उन पर काफी इल्जाम भी लगे कि वो जू हैं और वो जूस का काम मानते हैं. एक तो अरे भाई मजहबी यहूदियों का इस्लाम क्या है? यहूदी मजहब का अरब कल्चर के ऊपर इम्पोज होना. इसी तरह वो नमाजें पढ़ते हैं, इसी तरह वो झूमते हैं. उनको पता चल गया कि लकड़ी होती है तो उनकी वो जो सिनेगॉग्स हैं उसमें चेयर्स होती हैं. हमें अभी तक इतला नहीं मिली है कि लकड़ी ईजाद हो गई है, बैठने की जगह करो. कहते नहीं यार, वो जमीन पे बैठे थे. अरे रेगिस्तान में लकड़ी नहीं होती भाई, दरख्त नहीं होता है, इसीलिए बैठते जमीन पे. हम जुड़े हुए जहां भी होगा, जमीन पे बैठना होगा, ठंडी हो गर्म हो कैसी भी हो, जूते संभालते रहे आप, कोई चोरी ना कर ले. आमतौर पे हो जाते हैं बिल्कुल. और इमाम हुसैन की हम बात करते हैं तो उनके उनकी जो पत्नी थी, उनके उनकी बहन की शादी भी हिंदुस्तान के जो राजा थे उनसे हुई थी. तो हिंदुस्तान से इस्लाम का या उस जमाने की बात करें तो काफी गहरा और पुराना रिश्ता रहा है. ऐसे में हिंदुस्तान को लेकर इस तरह की सोच कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है. देखिये चंद्रगुप्त मौर्य की गुप्ता डायनेस्टी का जो एंड है वो है 4th-5th century में. इस्लाम की शुरुआत है 6th century से. द प्रॉफिट इज बोर्न 7th century फॉर्मली इट इज देयर. इस दौरान प्रॉफिट की अपनी हदीस है कि मैं अरब से हूं लेकिन मुझ में अरब नहीं है, मैं हिंद से हूं लेकिन हाँ, इसी टाइप की हदीस है. फिर उनकी वर्ड्स हैं कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, खुशबू आती है. और नजद जो अरेबिया है उस पर कहा कि आई गेट इल फीलिंग, यहाँ से गर्म हवा आती है. हमने कहा यार ये मजा नहीं आ रहा है, चेंज करो उठा के. बोले चेंज हुआ ही नहीं आज तक साहब, चेंज नहीं हुआ. मैं आप किसी से कहिए कि ये पहला इकरा कहाँ गया,
तो चेंज किसने किया ये तो बता दो ना, और अगर ये चेंज हुआ तो और बताइए क्या क्या चेंज हुआ, और फिर ये कहना कि चेंज नहीं हुआ, तो चेंज करते रहे मजहब, मतलब बादशाहत का ताल्लुक क्या है? आपने जैसे ही मुआविया को मान लिया खलीफा, केस क्लोज, इस्लाम तो खत्म हो गया उस दिन। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान अमीर माविया मानते हैं, उनको बड़ी इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं, और इस तरीके की चीजें सामने आती रहती हैं। आपको पता है कि 100 साल तक जो प्रॉफिट की फैमिली है उनको जुम्मे की नमाज में गाली दी जाती थी आले मोहम्मद को, ये उमय्या डायनेस्टी आपकी है, दमिश्क में बैठे हुए एक खलीफा मक्का मदीना नहीं गया। देखिए बहुत कम मुसलमानों को पता है कि ना सिर्फ उमय्यदों ने मक्का मदीना छोड़ दिया, उन्होंने नमाज के अंदर, जुम्मे की नमाज में, खुतबे में प्रॉफिट की फैमिली को गाली दी जाती थी। इट वॉज पार्ट ऑफ द रिचुअल कि आप लानत भेजें। ये तो मदीना के अंदर जन्नतुल बकी पे बुलडोजर करके लेवल कर दिया। तो एक मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आपकी अपनी हरकत है, वहां को किसी ने, हिंदू ने आके बीबी फातिमा की कब्र के इंसल्ट की, किसी यहूदी ने की, खुद ही कर रहे हैं। यमन में कितने लोग मर गए हैं, सीरिया में मर गए हैं, किसी कोई वहां यहूदी या हिंदू आके मारता है, अफगानिस्तान में कोई हिंदू बैठे हुए, आरएसएस बैठी हुई है। मैंने एक मौलाना से बात की थी इसी मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा कि ये यहूदियों की चाल होती है, वो आईएसआईएस का के एजेंट होते हैं, जैसे कि मुल्ला उमर की वो बात करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। तो इसका मतलब वो खुद काम कर रहे हैं ना, उनको कैसे पता चला कि यहूदी ये काम कर रहे हैं? इसका मतलब ये दोनों तरफ से पैसा खा रहे हैं कि यहूदियों की साजिश। अरे यहूदियों की साजिश हो रही है। तुमने ईस्ट पाकिस्तान में 10 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया, यहूदी आए थे वहां, वो तो हिंदुओं की वजह से इस्लामिक मुल्क बना, इंडिया ने बनाया है बांग्लादेश को ना, मुक्ति बहनी किसे लड़के, तुमसे तो नहीं हुआ कि तुम उनको इजाजत दो अपनी नमाज पढ़ने के, रोजा रखने के लिए, जो भी वो चाहते हैं अपनी जबान बोलने के। अच्छा, हम एक और बात करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन के बारे में, पाकिस्तान में जो भी होता है पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका में वो मुसलमानों का ठेकेदार बनता है, लेकिन जब हम शिनजियांग प्रांत की बात करते हैं तो वहाँ पे मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर वो आंखें मूंदे रहता है। मैं आपसे तारिक साहब ये बात करना चाहती हूँ कि उग्र मुसलमानों को पाकिस्तान के में क्या मुसलमान नहीं समझा जाता, या उनकी जो हालत इतनी बुरी हो गई उस पे आंखें मूंदे रहता है पाकिस्तान? और अभी भी हमने देखा है कि इमरान खान 3 बिलियन का वहां से कर्ज चाइना से लेने के लिए उसकी तैयारी में है और मांगने के लिए गए हुए वहां पे, लेकिन मुसलमानों का वहां पे जो उग्र मुसलमान है उनके बारे में बात नहीं करते। उनको अपने मुल्क के मुसलमानों का ख्याल नहीं तो वो चीन के मुसलमानों की बात करेंगे? इनके मुसलमानों से जाके शादी की थी क्या? ये तो रहना भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान में, कौन रहना चाहता है? आप कह दीजिए यहाँ वीजा लगा हुआ इंग्लैंड का, काफिरों की जगह, इसराइल का वीजा लगाने के लिए लाइन लग जाएगी, 2 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे, कह रहा अंदर जाके फिर वहां से मियाँ उसको अंदर से खोखला कर देंगे हम। आपने सिंध में आए हैं, सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई, आपको बनाना चाहिए था पाकिस्तान नेपाल के बॉर्डर पे कहीं, बिहार और यूपी के अंदर। कितनी शरारत है कि पाकिस्तान की मुहिम चलाई यूपी और बिहार में, और बंगालियों को तो वो शहीद सरवर्दी को बैन कर दिया जाने से, और खुद टोले चले गए कराची और बोला यहाँ भैया हम राज करेंगे अब, तो उर्दू जबान आ गई है, तो बच गए। वरना एक नारा होता था सिंधी के अंदर, बिहारी ना खप्पन, कि किसी बिहारी को आने नहीं देना हमने सिंध में। ये कैसे हो गया कि जो इस्लाम के ठेकेदार, मौलाना आजाद ने जब तकरीर की कह रहे मत जाओ, हाँ, ही मेड अ वेरी रेसिस्ट स्टेटमेंट कि ये जाहिलों की जगह जा रहे हो तुम,
यहाँ मुसलमान थोड़ी, यहाँ तो सिंधी, पंजाबी, पश्तून, इस टाइप के लोग रहते हैं। His contempt for what is Muslim was evident there. He was worse than Muhammad Ali Jinnah. क्योंकि वो भी अपनी तकरीरों में चीन का मुसलमान, तरतारिस्तान और क्या कुछ बोलते थे, कलकत्ता में स्पीचेस हैं उनकी, आप पढ़ लें। He was no lover of India. His point was कि I should make India as another Mughal state under Aurangzeb. Test एक ही है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों का। आप औरंगजेब को क्या समझते हैं? जो इस औरंगजेब को गाली देगा वो तो सच्चा हिंदुस्तानी हो सकता, जो उसके लिए अपने बच्चे का नाम रखता औरंगजेब, वो तो हिंदुस्तान का दोस्त हो ही नहीं सकता। औरंगजेब से बुरा तो इंडिया के लिए या बर्बरियत के लिहाज से, आप सोचिए कि वो दाऊदी बोरा जो यहाँ कितने पुरानी मुस्लिम कम्युनिटी, उनके सैयदना को क्योंकि वो फिक्स कैलेंडर में बिलीव करते हैं, ही फोर्स फेड हिम टिल ही डाइड आउट ऑफ ईटिंग फोर्स फूड, क्योंकि वो उनका कैलेंडर फिक्स्ड है, दे डोंट, वो चांद जाके नहीं देखते, उनको अगले 500 साल 1000 साल का कैलेंडर फिक्स्ड है, वो ईद के दिन आते हैं, ईद मना लेते हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ईद आपने मना ली बगैर शहंशाह औरंगजेब का? ही मर्डर्ड हिम बाय फोर्स फीडिंग हिम। वो हमारा हीरो है ना, बिल्कुल। उनको औलिया मानते हैं बहुत सारे मुसलमान, और ये बात सच है। क्या किया उन्होंने सिखों को, गुरुओं को क्या किया? बिल्कुल। तो हमें यही नहीं पता कि हमारा हीरो कौन है और हमारा विलेन कौन है। देखिए मराठा फौज जो थी वो तो हमारे हीरो ने चाहिए ना, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जो लड़े हैं, जो जो भगत सिंह हमारा पाकिस्तान का सिंबल होना चाहिए ना, लाहौर का वो था ना, तो उसका तो जिक्र ही नहीं कहीं। इनका कोई हल नहीं। वैसे बाय द वे आई रेकमेंड आप भगत सिंह को पढ़ें, रिमार्केबल मैन फॉर हिज टाइम, अनबिलीवेबल, कितने सोच वाला, कितनी साइंटिफिक। हमारे देश के लिए, मैं हिंदुस्तान की बात करती हूँ कि भगत सिंह जैसे जवान जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वो देश के आने वाले हजारों साल जब तक देश रहेगा तब तक ऐसे लोगों का कर्जदार रहेगा और उन पर हमेशा फर्ज रहेगा। कितना बहादुर आदमी, इतनी कम उम्र में, आप सोचिए कि इतनी कम उम्र में। आई नो उसकी एक्चुअली रिटन बुक्स मेरे पास दो हैं, उसके ट्रायल का भी किया है, बल्कि मेरे जो घर का वाईफाई उसका नाम भगत सिंह। तो वो आप छोटा सा मोहल्ला है ना, तो सबके आ जाते हैं, तो छूटते के साथ ही वो लोग पूछते भाई आपका वाईफाई क्या, मैंने कहा खुद ही देख लोगे, पहचान लोगे, बोला वो भगत। बट इतना बड़ा कैरेक्टर, उसकी कोई जगह ना हो, उसका कोई मुजस्मा ना हो। रंजीत सिंह का जो था महाराजा रंजीत, वो तोड़ दिया तो पूछने वाला नहीं। बिल्कुल। तो हम अगर शिनचियांग की बात करते हैं तो वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो उनके साथ चीनी फौज बड़ी बदतमीजी करती है, और मस्जिदें और कुरान और उन सारी चीजों का भी हम देखते हैं क्या हश्र करते हैं। इस पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हम देखते हैं जो इस्लामिक और मुल्क हैं वो भी खामोशी से बैठे रहते हैं। क्या उन्हें चाइना से डर लगता है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्यों वैसे एहतजाज करते हैं इसराइल के खिलाफ, बहुत जबरदस्त एहतजाज होता है इसराइल के खिलाफ करते हैं, एहतजाज इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं होता? चीन से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो तो चाइनीज को इंसान ही नहीं समझते ना, उनको अजीब लगता है कि क्या ये लिमिटेड टनल विजन के लोग हैं। इनमें लफ्ज कालिया जो है वो घर घर बोला जाता है, ये इतनी रेसिस्ट लोग हैं हम लोग, रंग गोरे करने वाली क्रीम कितनी बिकती है, दुल्हन को उपटन लगाई जाती नहीं लगाई जाती कि गोरी हो जाए किसी तरह जादू करके, अरे तीन दिन बाद जब काली निकलेगी तो क्या। ऑब्सेशन है जिन लोगों को रंग गोरा करने की, तो वो ही है ना, अरे भैया बाबर आया था ऐसा रंग गोरा था भैया, उसने वो चपाट लगाई हिंदुओं को ठीक कर दिया, इसी में लगे हुए अभी तक।
वो टॉप क्रिकेटर भी बाबर है आजकल को पाकिस्तान का, बाबर आजम। बाबर आजम, सिर्फ बाबर नहीं उनका आजम भी है। अरे भैया रख लेता कोई नाम, देसी नाम रख लेता। इट इज रिमार्केबल। और आप बाकी मुस्लिम कंट्रीज में नोबडी इज इंटरेस्टेड इन यू। हिंदी जो वर्ड है वो यूज होता है घटिया इंसान के लिए, क्योंकि ठीक है, हमें बहुत आप गर्व है अपने हिंदी होने पर। जो लोग सोचते हैं वो देखो खुद भी हिंदी है। ये नहीं, ये सेकंड ग्रेड हिंदी जो जो अपना लोग ऐसा सोचते हैं वो खुद हिंदी बोला है। लेके घूम रहे हैं कि यार मैं जूती मारो ना प्लीज, बताता नहीं है कोई, थूको ना हम पे, हम अरब हैं, तुर्क हैं। आपका टर्किश प्ले आता है तो आधा पाकिस्तान नाम बच्चों के रख देता है, तो अरे भाई साहब, कुर्दी मतलब खा और पता पाकिस्तान अब नहीं तो कोई कुछ। बन गया। देखिए वो अपने नेशनल डे की परेड में वो टीवी के म्यूजिक चला दिया उन्होंने, इनको रियलिटी और फैंटेसी में फर्क नहीं पता। ये बहुत हंसी की बात है और अफसोस की बात है नहीं, कि वो असलियत से अपनी ऐसी हंसी, आंख चुराकर। ऐसी हंसी है जिसमें रोना आता है, और ये बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल ताला ने खास तौर पे मुसलमानों के लिए अता फरमाई है कि मातम कर करके रोहो और हंसो अपनी। उनसे कहा पढ़ो, तुमने कहा ये हम नहीं पढ़ेंगे, रीड इकरा तो हम करेंगे ही कभी। अभी कुछ दिन पहले तारिक साहब, मेरी एक सिंधी एक्टिविस्ट है, उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि जो चीनी है जहां भी जाते हैं वो लोगों की नस्ल बदल देते हैं। वो पाकिस्तान में जिस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं वो पाकिस्तानियों की भी नस्ल बदल देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, चीनी किसी की नस्ल नहीं बदलते, ये उनको खुशफहमी है कि उनकी नस्ल बदल जाएगी। इनको भी तमन्ना रहती ना हमारे देसी मुसलमानों को कि कौन सा चीन किधर गया, नस्ल बदली। चीन और वियतनाम की जंग रही 1000 साल की, कभी कैम्बोडिया में आपने देखा नस्ल किसी बदली हुई है, लाओस में, या ऐसे घर में बनाते हैं अपने स्टोरी। अच्छा बाय द वे, चीन में दो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, मिंग चाइनीज जो मुसलमान है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिंग चाइनीज मुस्लिम अपने आप को चाइनीज समझता है। ये जो वीगर्स हैं इनका भी सुन लीजिए, जुल्म तो बहुत हो रहा है इन पे, लेकिन इनको भी 9/11 के बाद जरा अकड़ आ गई थी, राइटिंग हुई है, फाइटिंग हुई है कि शरिया लॉ पाकिस्तान ने बैकडोर से वहां शरिया के लिए फंडिंग की थी। अच्छा, उकसाना हाँ शुरू किया लोगों को कि वहां पे हाँ शरिया लागू ये शरिया होगी। का जो चक्कर था चाइनीज में, वहां माओजे तुम क्या शरिया छोड़ के जाते, ये कहाँ से आ गया शरिया लॉ का, ये तो पाकिस्तानी अपना कचरा लेके जाएंगे ना। बॉर्डर जो था पाकिस्तान और चाइना का 1974 में, बाय द वे आई एम द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू क्रॉस दैट लाइन, जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे उस जमाने में, वी क्रॉस दैट बॉर्डर इन टू चाइना, एंड वहां चाइनीज मिलिट्री का ये हाल था कि आप जिधर देखेंगे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग काम कर रहे होते थे, लोकल पॉपुलेशन थी ही नहीं। और वहां जियाउल हक के जमाने से फिर ये 9/11 जब हुआ, और उसके बाद जब अमेरिका ने तालिबान बनाने की कोशिश की, तो इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट आगे दिया पाकिस्तानियों ने कि जो वीगर हैं उनको, उनकी पैन इस्लामिज्म को जगाने की कोशिश की, जहां ओके, जाए तो वीगर पाकिस्तान सब जगह यही काम करता नजर आया है आपको। जहां हाथ लग गया वो झुलस के मर जाएगा, अच्छी खासी देखती उसको हाथ लगा दे पाकिस्तानी, वो जंग लग जाता है उसे इंस्टेंट। वाकई मैं बता रहा हूं, आप इसको मजाक नहीं समझे। आप एग्जांपल इतने अगर फनी आप ले हो। आते आपको पाकिस्तान तो संग लग चुका था। नहीं भाई, मैं अपने हिंदुस्तान में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत सुकून है यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे फोर फादर्स कहीं नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रहे। उनको पाकिस्तान नहीं, मैं एक जो और बात बताऊं, आप हिंदुस्तान के अलावा जैदी आपका नाम है, ये मोस्ट प्रोबेबली अशिया, आपको कहीं जी पनाह नहीं मिलती। शिया बिल्कुल मुसलमान को सिर्फ पनाह मिली है हिंद, भारत हिंदुस्तान में, बिल्कुल, ये सच्चाई है। कहीं नहीं। आप ईरान बिल्कुल, में पाकिस्तान की देख लीजिए, पाकिस्तान में क्या हाल है शियों का। देखो,
मैं हमारे दोस्त खुदा की कसम जिनके जैदी नकवी ऐसे नाम है उन्होंने लास्ट नेम हटा दिए अपने। जी बिल्कुल, ये मैंने भी नोटिस किया है, जाफरी जाफरी जाफर हो गए, काजमी अपना काजम कर देते हैं, इस तरीके से बहुत बदलाव आया। क्योंकि मैं तो कहता हूँ उन्हें और बनाओ पाकिस्तान, बड़ी मुसीबतें थी ना तुम्हें लखनऊ में, वहां से आए थे सारे शिया एक्टिव थे मुस्लिम लीग में, मोहम्मद अली जिन्ना से लेके सब कुछ, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, ले लिया पाकिस्तान और भुगत लिया अंजाम। नहीं अभी अंजाम नहीं हुआ, अभी जो है सामने अभी अंजाम है और आगे अंजाम होगा और भी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है जिससे लोगों को सबक मिलेगा। लोगों की माँ बहनें उठा के उनके बेटों को हेलीकॉप्टर से गिरा के सिंध और बलूचिस्तान में, आप फ्रंटियर वो पश्चिमिस्तान का एरिया देखिए, वहाँ पीटीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, इतने झूठे लोग हैं कि इमरान खान अपने आप को पश्तून कहता है जलंधर का, इतने झूठे हैं कि वो अपने आप को पश्तून शो करके माचो बनते ना। अबे कहीं नहीं, जलंधर में तीन बहनें थी तेरे, एक जावेद बरकी, इमाजिद खान और इमरान खान। वो तो वैसे भी सारे हिंदुस्तानी आज भी हिंदुस्तानी सरनेम लगाते हैं, बोलते हैं कि हमारा भाई तो पूरे पाकिस्तान की परेशानी है, कोई नई बात नहीं है, तो पूरा पाकिस्तानी ऐसी सोच रखता है। पाकिस्तानी ऐसे नहीं सोच रहा, सिर्फ पंजाबी मुसलमान और जो महाजिर आया आपके असली पाकिस्तान से, जो यूपी जो नेपाल के बॉर्डर पे होना चाहिए था पाकिस्तान, कभी सोचिए इस पे, ये गलत जगह बना दिया। गालिब साहब की शायरी वारी सुननी थी ना, तो वहीं कहीं करीब में बनाते ना। जी बिल्कुल, जी बिस्मिल्लाह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान बहुत बड़ी गलती है और जिसकी सजा पूरी दुनिया भुगत रही, हमारा देश तो है ही, भारत तो भुगत ही रहा है जो पाकिस्तान की पैदाइश की सजा, लेकिन पूरी दुनिया के लिए नासूर बना हुआ है। पाकिस्तान का अंजाम और इलाज क्या होगा ये वक्त बताएगा, जिस तरह से लोग पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। जी आप पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन्ना साहब की फोटो तो उतरवा दीजिए, ये तो कर सकते हैं ना इंडिया की गवर्नमेंट, वो भी डरे में। यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है और वहां के जियाले कहते हैं देख लेंगे कौन आता है यहाँ पे, यूं मार देंगे, यूं कर देंगे, और लगी हुई वो तस्वीर वहां पे, और किसी की हिम्मत नहीं जाके वो तस्वीर उतार के ले आए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम हमारे आइडियल्स, हमारे हीरो कौन है, ये हमें सोचने की जरूरत है। हम कहते हैं कि वो लोग जो धर्म के आधार पर सिर्फ अपने आइडियल्स सुनते हैं और ये नहीं देखते कि देश सबसे पहले रखना जरूरी है। जमीन है, जो अपनी जमीन का लॉयल नहीं है, धर्म का तो बाद में बात आती, पहले इंसान जमीन पे चला, वहां की बूटियां खाई, वहां के जानवरों के साथ रहा, 1 मिलियन साल से डेवलप हो रहे हैं, 5,000 साल से तुम्हारे हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन है, और आप बैठे कह रहे हैं कि नहीं। अरब जो थे ना उस जमाने में जहालत थी दुनिया में और अरबों ने सबको, हाँ चंद्रगुप्त मौर्य को किसी अरब ने आके सिखाया कि कैसे हुक्मरानी करी, मोहनजोदारो कोई वहां सीरिया से आया था, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन को इतना नीचे करते हैं, इट्स हॉरिबल समटाइम्स। एब्सोल्युटली ट्रू, और मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है हम सबको अपने देश का इतिहास, और क्योंकि 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने भारत का इतिहास है, उसको पढ़ने और समझने की जरूरत है कि कहाँ पे क्या हुआ है, और हम एक एक इस देश का वासी होने के नाते इस चीज को पढ़ें और समझें, और जो अब हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में दूरी बढ़ती जा रही है, उसका एक सिर्फ एकमात्र हल यही है कि हम चीजों को सही तरह समझें, इतिहास को सही तरह पढ़ें और समझें, और अपने देश के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसको सही तरीके से निभाएं। तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय और इतना कीमती ज्ञान हमारे और दर्शकों के साथ साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया, और वापस मैं जल्दी फिर से आपको परेशान करूंगी परेशान करती रहूंगी मैं आपको। ओके ओके, थैंक यू सो मच, खुश रहिए।